फोर्थ वेंट्रिकल को हम डायग्राम के चार्ट के थ्रू देखेंगे, फिर उसके बाद अभी थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम डायग्राम में भी इसको एक्सप्लेन करेंगे एक मॉडल बना के। फोर्थ वेंट्रिकल का पहले तो हम देखेंगे, इसमें चार पॉइंट में पढ़ते हैं फोर्थ वेंट्रिकल को। पहले तो हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का वीडियो ऑलरेडी इंट्रोडक्शन का वीडियो हम बना चुके हैं, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, इंट्रोडक्शन वहाँ जाके आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट चार पॉइंट में पढ़ेंगे इसको। सेकेंड पॉइंट इसकी रिसेस पढ़ेंगे, रिसेस। थर्ड पॉइंट इसके एंगल पढ़ेंगे, एंगल। फोर्थ पॉइंट इसकी बाउंड्रीज पढ़ेंगे। बाउंड्रीज इंट्रोडक्शन का वीडियो तो हमने पहले ही बना चुके हैं, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। रिसेस टोटल फोर्थ वेंट्रिकल में कितनी होती है? पांच होती है, फाइव रिसेस होती हैं। मतलब रिसेस कुछ नहीं होता है, एक बलून गुब्बारा लीजिए, उसमें हवा भरिए, तो उसका शेप कौन सा हो जाता है? ओवल शेप। अगर उसको एक व्यक्ति एक तरफ से खींच रहा है, दूसरा व्यक्ति दूसरी तरफ से खींच रहा है, तीसरा व्यक्ति तीसरी तरफ से खींच रहा है, तो क्या उसका शेप ओवल रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। यही होती है रिसेस। तो कितनी रिसेस होती है फोर्थ वेंट्रिकल की? पांच रिसेस। इसको हम तीन पॉइंट में पढ़ेंगे, रिसेस को थ्री पॉइंट में पढ़ेंगे। पहले तो पढ़ेंगे हम लेटरल, पहला पॉइंट लेटरल। सेकेंड पढ़ेंगे इसमें मीडियल डोर्सल। थर्ड पढ़ेंगे इसमें तीन पॉइंट के थ्रू पांचों रिसेस को हम कवर कर लेंगे। लेटरल डोर्सल, लेटरल में कितनी रिसेस होती है? दो। मीडियल डोर्सल में एक रिसेस और लेटरल डोर्सल में दो रिसेस, हो गए ना टोटल पांच रिसेस। फिर इसके एंगल में तीन एंगल होते हैं, थ्री पॉइंट थ्री एंगल होते हैं। थ्री एंगल कौन कौन से होते हैं? सुपीरियर एंगल, ए मतलब एंगल, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल और थर्ड होता है लेटरल एंगल, ए मतलब एंगल। अब बाउंड्रीज टोटल, बाउंड्रीज में हम तीन पॉइंट देखेंगे, कौन कौन से? बाउंड्रीज में हम पहले देखेंगे लेटरल वॉल। सेकेंड देखेंगे इसमें फ्लोर। थर्ड देखेंगे इसमें रूफ। लेटरल वॉल, फ्लोर में भी दो पॉइंट पढ़ेंगे। फ्लोर का शेप कैसा होता है? रेम्फोइड शेप। कौन सा शेप होता है? रेम्फोइड शेप होता है। रिम्फोइडल शेप होता है। और इस रिम्फोइडल शेप, फ्लोर के रिम्फोइडल शेप में भी हम तीन पॉइंट पढ़ेंगे। तीन पॉइंट कौन कौन से पढ़ेंगे? पहले तो पढ़ेंगे हम अपर ट्रेंगुलर। सेकेंड पढ़ेंगे
इंटरमीडिएट एरिया, इंटरमीडिएट एरिया, और तीसरा पढ़ेंगे हम लोअर ट्रेंगुलर। ये तीन पॉइंट हम रेम्पोइड शेप, फ्लोर के रेम्पोइड शेप में पढ़ेंगे। अब इसका रूप, रूप में भी इसमें तीन पॉइंट पढ़ेंगे हम, रूप में भी तीन पॉइंट पढ़ेंगे। पहला कौन सा? अपर स्लोप, पहले पढ़ेंगे अपर स्लोप। सेकंड पढ़ेंगे अपेक्स। थर्ड पढ़ेंगे लोअर स्लोप। ये तीन पॉइंट हम रूप में पढ़ेंगे। अब लोअर स्लेप, लोअर स्लोप में भी दो पॉइंट होते हैं, कौन कौन से? पहले होता है, पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम टेला, टेला कोराइडिया, कोराइडिया, टेला कोराइडिया, टेला कोराइडिया। और सेकंड पढ़ेंगे हम कोरोइटेड फ्लेक्सेस, सेकंड पढ़ेंगे हम कोरोइटेड फ्लेक्सेस। ये हो गया ऑल ओवर चार्ट। इसको हम डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे, ये जितने भी पॉइंट है इन सबको हम डायग्राम में देखेंगे। इंट्रोडक्शन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके आप वीडियो देख सकते हैं। रिसेस पांच होती हैं, पांच को हम तीन पॉइंट में पढ़ सकते हैं। लेटरल, मिडिल डोर्सल, लेटरल डोर्सल, लेटरल में दो रिसेस होती है, मिडिल डोर्सल में एक होती है, लेटरल डोर्सल में दो होती है। एंगल, एंगल, एंगल तीन होते हैं, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल और लेटरल एंगल। बाउंड्रीज में तीन पॉइंट पढ़ेंगे हम, लेटरल वॉल, फ्लोर, फ्लोर में हम फ्लोर का शेप कौन सा होता है? रिम्फोडल शेप होता है। रिम्फोडल शेप में हम इसके फ्लोर के रिम्फोडल शेप के तीन पॉइंट होते हैं, अपर ट्रेंगुलर, इंटरमीडिएट एरिया और लोअर ट्रेंगुल। रूप, रूप में भी हम तीन पॉइंट पढ़ेंगे, अपर स्लोप, अपेक्स, लोअर स्लोप, लोअर स्लोप में दो पॉइंट होते हैं, टेला कोराइडिया और कोरोइटेड फ्लेक्सेस।